तो हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर, जो कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आप इस वीडियो को बहुत मिस करोगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुकेश 07 यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि यार मेरा फोन हैक हो गया, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, कि मेरा फेसबुक हैक हो गया, कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, कि मेरा यूट्यूब चैनल ही हैक हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी हैकर होता है, जब वो किसी की चीज हैक करेगा तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचने का जरिया बताएगा, मतलब आपके फोन तक। अब वो आपके फोन तक कैसे पहुंचेगा? या तो वो आपके पास कोई लिंक सेंड करेगा, या आपके पास कोई एसएमएस करेगा, या आपके पास कोई कॉल करेगा। अब जैसा कि मुझे किसी एक फ्रेंड का फोन हैक करना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मुझे उसके पास, उसके मोबाइल तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए। अब वो जरिया क्या हो सकता है कि या तो मैं उसके पास कोई लिंक सेंड करूंगा या कोई एसएमएस सेंड करूंगा, ताकि वो उस एसएमएस को ओपन कर सके। और वो ओपन, जैसे ही ओपन करेगा तो उसमें एक ऑटोमेटिक एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगी, उसी कारण आपका फोन हैक हो जाएगा। फेक लिंक सेंड करता है तो सबसे पहले आप उसको ओपन ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि उस प्रॉब्लम का मैं सामना कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताऊंगा कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो आपके साथ ना हो। और वो घटना क्या हुई है कि किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया है। अब हैक कैसे किया है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी इस पर कोई लिंक आया होगा और वो लिंक मैंने ओपन किया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे फोन में एक एप्लीकेशन एक्टिवेट हुई। अब एक्टिवेट क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। अब फोन हैक कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मेरे जो एक नंबर है, वो नंबर की कॉल डाइवर्ट हो चुकी है किसी नंबर पर। जैसा कि वो नंबर मेरा स्विच ऑफ रहेगा तो वो नंबर की जितनी भी कॉल आएंगी वो उस नंबर पर आएंगी, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ एक स्कैमर का है। मैंने उसको ट्रू कॉलर पे भी चेक किया था और कई लोगों के ट्रू कॉलर पे भी चेक किया था, वो सिर्फ और सिर्फ स्कैमर का है। और मेरे पास ऐसे फेक लिंक आते हैं कि आपका फेसबुक का ओटीपी आता है, बहुत सारी ऐसी ओटीपी आती हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन बहुत सारी ओटीपी आती हैं। और मैंने इस चीज़ का बहुत लोगों से राय ली, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकला। मैंने कई यूट्यूबरों से बात की, उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका मोबाइल की जो कॉल डाइवर्ट हो चुकी है वो ऑफ हो जाएगी, और ऑफ कैसे होनी है वो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉल डाइवर्ट ऑफ क्यों नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं अपनी कॉलिंग हिस्ट्री में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक करूँगा और सेटिंग में आ चुका हूँ। आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पर कैरियर कॉल सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप लोगों के सामने ये चार पांच ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर दे रखा है कॉल फॉरवर्डिंग, तो जिस पर मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दो सिम आ चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। मेरे जो सेकंड सिम की जो कॉल फॉरवर्डिंग हो रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस पर ओके करता हूँ तो कुछ टाइम लेता है, लेकिन आप लोगों के सामने ये टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों के सामने ये मेरा पेज ओपन हो चुका है और फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है ऑलवेज फॉरवर्ड, और आप लोगों के सामने एक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा जो कि ये स्कैमर का नंबर है। अब ये मेरे को नहीं पता ये नंबर कहाँ से आया, और यहाँ पर तीन चार ऑप्शन और दे रखे हैं, लेकिन ये जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर और टू नंबर पर जो लिखा हुआ है ये इस पर ओके नहीं हो रहा। जैसे कि मैं इस पर ओके कर रहा हूँ, ओके का ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। अब जैसे कि मैं ऑलवेज फॉरवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ इसको। ऑफ करने के बाद आप लोगों के सामने अपडेटिंग का टाइम ले रहा है, लेकिन ये यहाँ से नहीं हो रहा है। देखो आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ चुके हैं, योर कैरियर डज नॉट सपोर्ट डिजिबलेटिंग कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन योर फोन इज अनरीचेबल। अब जैसे कि मैं इसको ओके करता हूँ, आप लोगों के सामने फिर एक ऑप्शन आ चुका है।
अब फिर से दोबारा से मैं इस पर ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद मैं इस नंबर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है। फिर आप लोगों के सामने वही ऑप्शन। फिर मैंने किसी यूट्यूबर से पूछा था कि मेरे से कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं हट रहा है, तो उसने एक राय दी थी। अब वो राय क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इस पर ऑलवेज फॉरवर्डिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर को मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। मैंने उससे पूछा था तब मुझे उसने ये राय दी थी। मैंने ये भी ट्राई किया लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वही ऑप्शन। अब मैं इस पर कोई और अदर नंबर डालता हूँ। अब जैसे कि मैं इस पर कोई अदर नंबर डालता हूँ, जैसे कि मेरा सेकंड नंबर है, जो कि मेरा सेकंड नंबर है, मैं इसको अपडेट करूंगा। अब जैसे अपडेट पर क्लिक करूंगा तो आप लोगों के सामने फिर वही ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कुछ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी राय में कोई ऑप्शन, अगर आपकी राय में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये घटना मेरे साथ हो सकती है और आगे भी इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी सारी कॉल फॉरवर्डिंग उस नंबर पर जा रही है। तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ज़रूर निकालें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इस प्रॉब्लम से मैं बच सकूं, क्योंकि आगे भी मेरे साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैं फ़ोन को रिसेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लगता है कुछ होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मुझे अपना फ़ोन रिसेट करना पड़ेगा। अगर आपकी राय में कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में।